आपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारे वीडियो देखे और किताबें पढ़ी होंगी, लाइफ मैनेजमेंट के बारे में, प्रोफेशनलिज्म के बारे में, लेकिन वो सब बेकार हैं अगर आप इस एक क्रिटिकल स्किल को नहीं सीखते। और वो स्किल क्या है? ना कहना। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक दो तीन नहीं, पांच कमाल के इनसाइट्स और टिप्स देने वाला हूं जो मैंने लाखों लोगों को सिखाई और उन सबको इससे बहुत लाभ हुआ। नमस्कार, इमोशनल वेलनेस विद दीपक बजाज के पांचवें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हर शुक्रवार को शाम को 5 बजे हमारे YouTube चैनल पे हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो डालते हैं जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करता है। इमोशनल वेलनेस विद दीपक बजाज सीरीज में आज ये पांचवा वीडियो है। अगर आपने अब तक के हमारे 4 वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो को, आज के वीडियो को देखने के तुरंत बाद जस्ट गो बैक टू माई YouTube चैनल एंड वॉच अदर 4 वीडियोज ऑल्सो। उन वीडियोज के लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएंगे। आज का ये वीडियो बहुत खास है और एक ऐसे कमाल के टॉपिक के बारे में है जिसे अगर आपने सीख लिया तो आपको असीमित कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता है। आपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारे वीडियो देखे और किताबें पढ़ी होंगी, लाइफ मैनेजमेंट के बारे में, प्रोफेशनलिज्म के बारे में, प्रायोरिटी मैनेजमेंट के बारे में, लेकिन वो सब बेकार हैं अगर आप इस एक क्रिटिकल स्किल को नहीं सीखते। और वो स्किल क्या है? ना कहना। ना कहना, यू नीड टू से नो ग्रेसफुली। आपको ना कहना जरूर आना चाहिए, क्योंकि जब जब आप किसी यूजलेस बेकार की चीज़ पे लिए हाँ करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप एक ऐसी चीज़ को ना कर देंगे जो आपके लिए ज़रूरी थी। बहुत बार हमें डर लगता है, कई बार हमें लगता है ये रिलेशनशिप ख़राब ना हो जाए, कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हाँ कहना किसको है, ना कहना किसको है, और कई बार हमें गिल्टी फील होता है, यार किसी ने मुझसे कुछ मदद मांगी और मैंने उन्हें मना कर दिया, राइट। बट अगर आप हर चीज़ को हाँ करते जाएंगे तो फिर आपसे वो छूटता जाएगा जो आपके लिए सबसे ज़रूरी है। तो वीडियो बहुत खास है और आज इस वीडियो में मैं आपको एक दो तीन नहीं, पांच कमाल के इनसाइट्स और टिप्स देने वाला हूं जो मैंने खुद यूज़ की और मेरे 20 सालों के करियर में मैंने लाखों लोगों को सिखाई और उन सबको इससे बहुत लाभ हुआ, राइट। और एक और चीज़, मेरे यूट्यूब चैनल पर 450 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। मेरे YouTube चैनल दीपक बजाज को लोग बोलते हैं 24/7 फ्री ऑनलाइन लर्निंग अकेडमी, लेकिन ये पहली बार है हम इस खास टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। तो पांचों पॉइंट्स को गौर से देखिएगा, गौर से समझिएगा और मुझे ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा पांचों में से कौन सा टिप आप आज से यूज़ करने वाले हैं। पहली चीज़ आपको जो याद रखनी है अगर आप किसी को ना कहना चाहते हैं तो वो क्या है? सेइंग नो टू वन रिक्वेस्ट इज नॉट सेइंग नो टू द रिलेशनशिप। किसी ने आपसे बोला कि आज आप इस पार्टी में आ जाइए और आपने उन्हें मना कर दिया, तो ये जो मना किया आपने, ये आपने उनके साथ अपने रिश्ते को मना नहीं किया है, अपने रिलेशनशिप को मना नहीं किया है, आपने ये मना उस पार्टी के आज के इनविटेशन को किया है। बहुत बार ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग इन दो चीजों को मिक्स कर देते हैं, वन रिक्वेस्ट एंड रिलेशनशिप। एक रिक्वेस्ट अलग है, पूरा रिलेशनशिप अलग है। आपने अगर किसी की एक रिक्वेस्ट को, एक प्रपोजल को, उनके एक प्रस्ताव को ना बोला है तो आपने रिश्ते को ना नहीं बोला है। आप इस बात को समझिए, एक रिश्ता बनता है कई सालों से और कई सालों से एक दूसरे के साथ आपने जिस तरह का व्यवहार किया उससे आप एक रिश्ता बनाते हैं। आप जेन्युइनली बिजी हैं, आपका एग्जाम है, राइट, आप उस एग्जाम की तैयारी में व्यस्त हैं और आज आपको 2-3-4 घंटे का समय उस पार्टी के लिए नहीं निकाल सकते, या आप किसी को दिल्ली जाकर पिकअप नहीं करके आ सकते, या शायद आप किसी के लिए जाकर कुछ और सामान लेके आना है वो आप नहीं ला सकते हैं। अगर आपने वो ना किया है तो आपने उनकी एक रिक्वेस्ट को ना किया है, इस रिलेशनशिप को ना नहीं किया है। आप दिल से इस बात को महसूस करते हुए ना करिए, वो भी इस बात को समझेंगे और रिश्ता एज इट इज रहेगा, राइट। सो सेइंग नो टू वन रिक्वेस्ट इज नॉट सेइंग नो टू द रिलेशनशिप। सेकेंड आइडिया आपको देता हूं, लर्न टू से नो विदाउट सेइंग द वर्ड नो। ना कहना सीखो ना शब्द का इस्तेमाल किए बिना। ना कहना सीखो ना शब्द का इस्तेमाल किए बिना। बहुत बार मेरे पास इनविटेशंस आते हैं कि आप इस इवेंट में आ जाइए और मैं ऑलरेडी स्केड्यूल्ड होता हूं तो मैं नो नहीं बोलता हूं। मैं क्या बोलता हूं? मेरी बहुत दिली इच्छा है कि मैं इस इवेंट में आऊं,
लेकिन मैंने ऑलरेडी वहाँ कमिटमेंट दिया हुआ है। मैं इस बात के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस इवेंट में बुलाने के लिए चुना, बट आई एम अफ्रेड आई विल नॉट बी एबल टू डू इट बिकॉज आई एम डूइंग ABCXYZ और समथिंग। मैंने ना बोला ही नहीं है, ना शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, लेकिन मैंने फिर भी ना कह दिया कुछ और बोलते हुए। आप देखिए आपको कौन से शब्द सूट करते हैं, बट आई हैव सीन दिस। फर्स्ट यू एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट दैट उन्होंने आपको बोला, और ये बात ज़रूर बोली, आई वुड लव टू डू इट, मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत खुशी होती अगर मैं ये कर पाता, राइट, बट मुझे बहुत खुशी होती, मुझे बहुत हर्ष है, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम एक्साइटेड, आई एम थैंकफुल टू यू, बट लगाया एंड देन यू कैन से नो। ग्रेसफुली अगर आप नो कहना चाहते हैं तो ये तीसरी बात याद रखिए, आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि आपकी पॉपुलैरिटी में थोड़ी तो कमी होगी अगर आप नो बोलेंगे, तो यू नीड टू एक्सेप्ट देयर विल बी सम लॉस ऑफ पॉपुलैरिटी बाय सेइंग नो। किसी ने आपसे कुछ मांगा, बहुत उम्मीद से मांगा उन्होंने कि शायद आप कर देंगे, और आपने उन्हें मना कर दिया, तो मेरे दोस्त इस बात को तो मान लो ना कि शायद कहीं ना कहीं तुम्हारी पॉपुलैरिटी तो टेम्परेरीली कुछ समय के लिए तो कम हो सकती है, लेकिन इन द लॉन्ग रन इट विल गिव यू ह्यूज ह्यूज रिस्पेक्ट। और मैंने एक दो तीन नहीं, अपने साथ पर्सनली ऐसा बहुत बार देखा है, मैंने ना बोला, किसी ने मुझसे उम्मीद की थी कि दीपक जी को ये बोलेंगे तो वो ये ज़रूर कहेंगे, मैंने ना बोल दिया, लेकिन मेरे उस ना से उस पल उस समय उस घंटे उन्हें शायद बुरा लग सकता है, लेकिन मेरी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कि दीपक जी सीधे सीधे इंसान हैं, सच बोलते हैं, या तो हाँ बोलते हैं या तो ना बोलते हैं, इसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आई हैव गेन्ड ह्यूज रिस्पेक्ट एंड यू कैन ऑल्सो डू दिस। ग्रेसफुली ना बोलने के लिए चौथा टिप, और ये मेरा फेवरेट है पूरे पाँच में से, रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ व्हाट यू आर लूजिंग बाय सेइंग यस। अपने आप को याद कराइए जब आप हाँ बोलने लगे ना उससे पहले, कि अगर आपने इस चीज़ को हाँ किया तो फिर आप किस चीज़ को ना बोलने वाले हैं, आपका लॉस क्या होने वाला है। देखिए बात बहुत सिंपल है, सबके पास ज़िंदगी में 24 घंटे लिमिटेड हैं, हर दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर आपने 3 घंटे किसी और को किसी और काम के लिए यस बोल दिया तो मतलब आपको किसी ना किसी को तो ना बोलना पड़ेगा। तो अगर आज आपने इस दोस्त को इस रिश्तेदार को इस चीज़ के लिए हाँ किया तो फिर ये 3 घंटे में तुम क्या करने वाले थे जो छूट जाएगा, उसकी एक बार कल्पना कर लो। और इसके लिए कितने सेकंड लगते हैं पता है, 30-60 seconds, एक मिनट भी नहीं लगता। हाँ बोलने से पहले एक मिनट खाली ये सोच लो कि जो समय मैं उधर देने वाला हूँ या देने वाली हूँ उसमें मैं अदरवाइज क्या करने वाला था। उस पार्टी में अगर मैं जाऊँगा या उस मीटिंग में अगर मैं जाऊँगा तो फिर अगर मैं वहाँ नहीं जाता तो क्या कर रहा होता और मैं क्या छोड़ रहा हूँ। और जैसे ही आप वो 30-60 seconds ये चिंतन करते हैं ना और ये सोचते हैं कि क्या छोड़कर आप उसको हाँ करने वाले हैं, देन ऑटोमेटिकली माई फ्रेंड यू विल से नो, एंड दैट ऑल्सो वो ना तुम्हारी दिल से निकलेगी। पांचवा कमाल का टिप, अगर आप ग्रेसफुली ना बोलना चाहते हैं तो हमेशा याद रखिए, अ क्लियर नो इज ऑलवेज बेटर देन अ वेग यस दैट यू डोंट मीन। बहुत बार आपको मालूम है आप ये कर तो पाएंगे नहीं, फिर भी आप हाँ बोल देते हैं और ये दिखाई दे रहा होता है, राइट, आपको मालूम है आपसे नहीं हो पाएगा, आप करना भी नहीं चाहते लेकिन फिर भी आप यूं ही हाँ बोल देते हैं। बाद में आप वो काम नहीं करेंगे ना तो उनको बुरा लगेगा, लेकिन क्योंकि आप उनको इस समय हर्ट नहीं करना चाहते तो आप बोल देते हैं हाँ मैं ठीक है। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में, सेल्स में, इंश्योरेंस में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, एक ही टाइम पे 2 मीटिंग के लिए हाँ बोल देंगे। आज यहाँ बैठे सामने वाले ने बुलाया और उन्होंने बोला कि आप आधे घंटे में पहुंच सकते हैं, हाँ सर क्यों नहीं पहुंच सकता, जिस जगह पे वो बैठे हैं ना वहाँ से जाने में 1 घंटा लग जाएगा तो आधे घंटे में कैसे पहुंच जाएंगे। बट समटाइम्स पीपल से यस दैट दे डोंट इवन मीन, राइट, उन्हें मालूम है मैं झूठ बोल रहा हूँ लेकिन फिर भी बोल देते हैं। लेकिन मैंने ज़िंदगी में क्या देखा है, अगर आप एक अफर्मेटिव क्लियर ना बोलते हैं तो ये एक ऐसे हाँ से बहुत बेहतर है जिस हाँ को आपने झूठ मूठ बोल दिया। सो दीज आर माई 5 टिप्स टू gracefully say no, and remember this, अगर आप ठीक से ना बोलेंगे तो 2 फायदे हैं, नंबर 1 लॉन्ग टर्म में आपकी इज्जत बढ़ेगी, लोग आप पे भरोसा करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, सो ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट आपको बहुत मिलेगा, और दूसरा आप अपने सपनों और अपने लक्ष्यों के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और आप वो करेंगे जिसको करने से आपको पैसे भी आएंगे और संतुष्टि भी मिलेगी। सो ना कहना सीखिए, ये एक स्किल आपको ज़िंदगी में बहुत आगे लेके जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा खास क्या लगा और कौन सा इन 5 में से वो टिप है जो आप इंप्लीमेंट करेंगे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, हर शुक्रवार को शाम को 5 बजे मेरे
YouTube चैनल दीपक बजाज पे हम एक कमाल का वीडियो डालते हैं इस खास सीरीज में जिसका नाम है इमोशनल वेलनेस विद दीपक बजाज। और इस सीरीज को बनाने का हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है, हम आपको चमकते हुए देखना चाहते हैं। वी वॉन्ट सी यू एट द टॉप, सो कीप शाइनिंग, कीप स्पार्कलिंग। अगले वीडियो को और अगले एपिसोड को देखना मत भूलिएगा। लव यू गाइस, कीप शाइनिंग।